हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक फिर से रिव्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। सो गाइस, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक आई शेडो पैलेट का रिव्यू, जो कि होने वाला है इसका, आप देख सकते हो, ये है ना होडा ब्यूटी का न्यूड आई शेडो पैलेट है। और यहाँ पे आप इसकी आउटर पैकेजिंग देख सकते हो, कुछ आपको ऐसे रिसीव होता है वाइट कलर का। ये प्लास्टिक का कवर है, तो इसमें आपकी जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सेफ रहेंगी। यहाँ पे पीछे में सारे है ना, जितने भी इसके अंदर है ना कलर हैं, उसके है ना यूजेस दिए गए हैं, क्या कौन कौन से कितने कलर हैं यहाँ पे वो दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो, कैमरा फोकस तो नहीं ले रहा, देख सकते हो। और यहाँ पे भी है ना एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं किया गया है, ना ही MFC डेट मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे और कुछ भी मेंशन नहीं है। तो चलिए हम इसका ना अंदर देख लेते हैं कि क्या है। तो आपको अंदर में कुछ ये ऐसे रिसीव होता है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर है। ये आप देख सकते हो, इसका फर्स्ट में तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे आपको बैक में सेम वही मिलेगा जो यहाँ इसके बैक में मेंशन किया गया है, वही आपको यहाँ पे भी मिलेगा सारा कुछ। इंग्रेडिएंट्स आई थिंक मेंशन नहीं किया गया है, ना इंग्रेडिएंट्स है और ना ही एक्सपायरी डेट है, ना प्रोडक्शन डेट है, तो इसमें है ना होना चाहिए था बट नहीं है। बट कोई बात नहीं, मैंने इसे रिसेंटली परचेज किया है। तो अंदर में आपको कुछ ऐसा रिसीव होता है, जो आपको है ना यहाँ पे आउटर पैकेजिंग में जो आपको पिक्चर मिल जाता है, वही आपको यहाँ पे भी रिसीव होता है, ताकि जितने भी कलर्स हैं इसमें सारे सेफ रहे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको मिरर मिल जाता है, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप कलर्स देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर सुंदर कलर्स हैं इसमें। सारे न्यूड्स तो नहीं है, बट आपको न्यूड भी मिल जाएंगे और है ना ग्लिटर भी मिल जाएंगे, सिमर भी मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आपको इसमें एक कंसीलर भी मिलता है, जिससे आप आराम से आई बेस के लिए यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो पैलेट काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत है। तो अब मैं इसकी स्वाचेस भी दूंगी, है ना, बस डेमो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं डेमो में। तो मैं इसकी वीडियोस, अब मेकअप वीडियोस बनाऊंगी, तो आप देख लेना। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल कलर्स हैं, आपको यहाँ पे मैट मिल जाएंगे, सिमर मिल जाएंगे और ग्लिटर भी मिल जाएंगे आपको, आप देख सकते हो। तो चलिए मैं इसकी आपको स्वाचेस दिखा दूँ। ये पैलेट इतना ज़्यादा पिगमेंटेड होगा क्योंकि ये हुडा ब्यूटी का ना ओरिजिनल पैलेट नहीं है, ये हुडा ब्यूटी का ड्यूप्स है। तो है ना, और इसका जो प्राइस है वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना मतलब दे सकता है इतना कम प्राइस में। तो मैं प्राइस यहाँ साइड में लगा दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड दे दूँगी, तो वहाँ से चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये वाले दो मतलब लाइन हो गए हैं, अब तीसरे लाइन की और चलते हैं। यहाँ पे आपको एक शिमर शेड मिलता है और बाकी एक कंसील मिलता है और बाकी सब मैट शेड है। तो उसके लिए मुझे फिंगर को क्लीन करना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे ये कंसीलर है, तो कंसीलर का मैं आपको मतलब कवरेज दिखा देती हूँ, क्या कवरेज है। तो आप यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, कंसीलर का भी कवरेज बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छे से ही वर्क करेगा, आप देख सकते हो। कंसीलर का मैंने दिखा दिया, अब ये जो तीन मैट कलर हैं तीनों का मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो ये तीनों कलर कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है।
सो ये आप आराम से कोई भी आप न्यूड मेकअप क्रिएट करते हो ना तो ये पैलेट आपके लिए परफेक्ट है। और यहाँ पे ये दो कलर बच गए तो मैं इसका भी दिखाई देती हूँ। तो ये दो आपको, एक शिमर है एक मैट कलर है, तो ये आप देख सकते हो शिमर शेड बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, मैट शेड्स भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है आप देख सकते हो। तो गाइस जितने भी इसमें कलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा पैलेट है। बस एक ही चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी कि इसमें ना आपको एक्सपायरी डेट मेंशन की गई है, ना ही इसमें आपको प्रोडक्शन डेट मेंशन किया गया है, ना ही इंग्रेडिएंट्स दिया गया है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मैं है ना इसे 10 out of 8 दूंगी, क्योंकि ऑल ओवर है ना आई शैडो पैलेट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। अगर आप बिगनर हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि है ना इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं है, एक्सपायरी नहीं है। तो आप वैसे भी कोई भी आई शैडो पैलेट का एक्सपायरी है ना 2 years तो मिनिमम रहता ही है, मैक्सिमम तो बहुत 5 years के भी होते हैं, बट है ना मिनिमम 2 years तो रहता ही है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना है ना कैसे आपको क्या यूज़ करना है, तो आप देख सकते हो। तो गाइस इसका स्वाचेस मैंने आपको दे दिया, तो अब मैं आपको बताऊँ आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पैलेट को खरीदें या ना खरीदें। तो गाइस आप इस पैलेट को बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम एक्सपायरी डेट 2 years की होती है आई शैडो पैलेट की, तो आप ले सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। और जब भी आपको कोई आई शैडो पैलेट मिलती है तो वो है ना न्यू मिलती है, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि है ना मतलब पुराने हैं चाहे कुछ भी, तो इसलिए आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस और इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 250 समथिंग में मुझे मिला था या फिर उससे ज़्यादा था, तो आप सोच नहीं सकते कि कितना ज़्यादा है ना ये सस्ता है। और ड्यूप्स है और ड्यूप्स इतने अच्छे वर्क करते हैं ये तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, ये मैं ही जानती हूँ। अगर आप लेते हो तो आप बिल्कुल भी इसमें है ना मतलब काटने वाला बात ही नहीं होता, क्योंकि बहुत ही अच्छा पैलेट है, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। तो चलिए आज का यही थी मेरी वीडियो, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो गाइज़ है ना तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे होम स्टे सेफ।